संस्कार। जहानाबाद जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता के द्वारा प्रदेश कांग्रेस के जया मिश्रा के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाई। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी साख को आगे बढ़ाएं और चुनाव में कांग्रेस किस तरह से बेहतर प्रदर्शन करें, इसको लेकर एक रणनीति तय की है। इस बैठक के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नेता जया मिश्रा द्वारा डिजिटल कांग्रेस की सदस्यता बढ़ाने को लेकर विशेष तौर पर जोर दिया गया और कहा गया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बेहतर ढंग से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदर्शन करेगी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपने शीर्ष नेता के निर्देशानुसार उम्मीदवार को हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है और प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी और जो कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के साथ रिलायंस करेगी या स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी उसका पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे। उनकी रणनीति पर कांग्रेस कमेटी चलेगी। कांग्रेस हर स्तर पर अपनी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जहानाबाद जिले के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बेहतर ढंग से जनता के बीच अपनी नीति रखेंगे और हर गांव हर घर अपने कार्यकर्ता बेहतर ढंग से बनाएंगे। डिजिटल मेंबर बनाने के लिए हर स्तर पर आगे बढ़ रही है। हम लोग मांग करेंगे कि कोरोना काल में हरेक मतदाता को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि आम जनता आगामी विधानसभा चुनाव में अपना भागीदारी निभा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहानाबाद एक निजी रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किया गया। MI+ न्यूज से जहानाबाद दिनेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा है, यहाँ हम लोगों को राहुल जी के सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हम लोग डिजिटल अभियान जो चल रहा है एक तो उसकी समीक्षा कर रहे हैं। संगठन किस तरह से काम कर रहा है उसका एक आकलन करना है, डिजिटल मेंबरशिप का आकलन करना है, संगठन में कहाँ क्या कमी है, क्योंकि अगर चुनाव होना है तो उससे पहले संगठन पूरी तरह से तैयार होना ज़रूरी है। कहीं कहीं जो भी कमी पेशियाँ हैं उसको उस गैप को फिल करना, उसको तैयार करना। क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं जी? निर्देश क्या क्या दिए जा रहे हैं इसमें? निर्देश तो एक डिजिटल मेंबरशिप को कौन कितना मेंबर बनाया है, उसके अलावा और कितने कितने सबको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, सब लोग किस तरह से फील्ड में किनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है डिजिटल मेंबरशिप में, वो सब भी सुना जा रहा है। वो हाथों हाथ अगर ठीक होता है तो उसको कराया जा रहा है, या नहीं तो फिर पटना से बैठकर उसको डिजिटल मेंबरशिप को सुचारू ढंग से डिजिटल मेंबरशिप चलना है, ये प्राथमिकता है। और जब बात कर रहे हैं तो जाहिर है चुनावी मौसम है तो चुनाव की भी बातें होती ही हैं। संगठन में कहाँ पे खाली पद है उसको जल्द से अतिशीघ्र भरा जाए, इस तरह की बातों पे हम चर्चा करेंगे। जहानाबाद में कांग्रेस कितने सीटों पर दावेदारी पेश करेगी? ऐसा है तो ये सब तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम लोग कितने सीट पर लड़ेंगे कितने सीट पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन है हम लोग तो चाहते हैं कि हर जगह हम लोग लड़ें, मजबूती से लड़ें। अलायंस होगा तो 100% सीट पे तो आप लड़िएगा नहीं, एक सम्मानजनक सीट पे हम लोग भी लड़ेंगे जिसमें जहानाबाद भी बिल्कुल हो। जहानाबाद सीट एक जो भी सीट आएगा उसमें हम लोग अच्छे से लड़ेंगे। अगर अलायंस में जब काम होता है तो जाहिर है 100% सीट तो आपको मिलता नहीं है, उसमें तो सम्मानजनक जो भी सीट्स आएंगी हम उसमें लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे।